मेहता का उल्टा चश्मा से शैलेश लोड़ा के शो छोड़ने की खबरें आ रही थी शैलेश इस शो में जेठालाल के करीबी दोस्त का रोल निभाते हैं लेकिन अब इन खबरों पर एक ट्वीट नेमो लगा दी है जिसके बाद से सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की बौछार हो गई इस बात से फैंस काफी परेशान हो गए हैं और सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं इसी बीच लोग शैलेश लोड़ा के बारे में काफ़ी सच कर रहे हैं तो चलिए आज हम आपको तारक मेहता यानी शैलेश लोड़ा के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं क्यों कहा शो को अलविदा शैलेश लोड़ा ने शो को अलविदा क्यों कहा इस पर अभी तक एक्टर की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है लेकिन माना जा रहा है कि शैलेश अपने नए कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा खुश नहीं थे लिहाजा उन्होंने शूटिंग पर आना बंद कर दिया था और शो से विदाई लेने का ही मन बना लिया रिपोर्टर्स के मुताबिक शैलेश जल्द ही किसी नए शो से जुड़ने वाले हैं दरअसल शीमरू टीवी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ है इस ट्वीट अलावा एक छोटा सा वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें शैलेश नए शो में नजर आ रहे हैं इस ट्वीट में लिखा है वाह भाई वाह पहचानिए तो भला कौन है ये जो लेकर आ रहे हैं एक नया शो ऐसे इस शो के टीजर ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने की अटकलों को कन्फर्म जरूर कर दिया है खास बात है कि शैलेश लोड़ा इस शो से करीब चौदह साल से जुड़े हुए हैं ऐसे में शैलेश का शो को छोड़ना फैंस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक यानी शैलेश अहम किरदार निभाते थे वो न सिर्फ़ शो में टाइटल रोल प्ले कर रहे थे बल्कि एक प्रसिद्ध कवि भी हैं यही वजह थी कि उन्हें शो में काफ़ी अच्छा पैकेज दिया जा रहा था अगर उनकी एक एपिसोड की फ़ीस की बात करें तो शैलेश लोड़ा एक लाख रुपए चार्ज कर रहे थे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो शो में जेठालाल का किरदार निभा रहे दिलीप जोशी और दयाबेन बनी दिशा वकानी के बाद तीसरे हाईएस्ट पेड एक्टर थे शैलेश का इस शो को अलविदा कहना फैंस को इस वजह से भी खलेगा क्योंकि फैंस पहले से ही दयाबेन को मिस कर रहे हैं अब तक शो के मेकर्स जैसे तैसे इस शो की कहानी को आगे बढ़ा रहे थे ऐसे में दो किरदारों का शो से किनारा कर लेना मेकर्स के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है पहले पत्नी गई अब परम मित्र भी जा रहे हैं देखते हैं अब शो कहा जाता है चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में तब तक लिए साइनिंग ऑफ